के बारे में जब बात की जाए तो खान फैमिली अपने घर के कई किस्सों को साझा अब तक कर चुकी है, लेकिन ये बात शायद ही आपको मालूम हो कि खान फैमिली में फिर चाहे सलमान हो या अरबाज या फिर सोहेल खान या उनके फैमिली के सबसे सीनियर मेंबर यानी कि बॉलीवुड राइटर और एक्टर सलीम खान, सबने अपनी जिंदगी में अपनी पहचान अपनी एक्टिंग और अपने टैलेंट के बलबूते बनाए और इन्होंने अपने अलग अलग डिसीजन से लोगों के बीच एग्जाम्पल सेट भी किया है। खैर, ये आज हम आपको बताना चाहेंगे कि सलमान भले ही गैलेक्सी अपार्टमेंट में आज भी अपने माँ बाप के साथ रहते दिखते हों, लेकिन ये सब एक ही घर में नहीं अलग अलग घर में रहते हैं। अपार्टमेंट एक है लेकिन फ्लैट अलग अलग है, ये सलमान ने खुद बताया था और इसकी वजह भी बताई थी। इसके अलावा कुछ राज ऐसे भी हैं सलमान खान के पिता सलीम से जुड़े जो खुद सलीम ने खोले हैं, घर के सर्वेंट्स, घर के कुक और घर के बाकी मेंबर्स को लेकर, फैमिली मेंबर्स से लेकर स्टाफ और घर के उन सभी मेड सर्वेंट्स को लेकर जिन्होंने हमेशा खान फैमिली को सपोर्ट किया है। बड़े बड़े फैमिली में नौकर और घर के स्टाफ्स के अलग अलग देखने को मिलते हैं शौक, और यहाँ खान फैमिली के सर्वेंट्स के कैसे कैसे शौक हैं ये भी आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो सलीम खान के स्टाफ के बारे में सलीम ने किया बताया, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट में। वेल, खान फैमिली के बारे में तो ये सभी जानते हैं कि खान फैमिली ने किस तरह से अपने अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले इन कलाकारों के बारे में हमेशा अलग अलग उनके व्यवहार की बात होती है। इन दिनों टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे सलमान आस्ट्रिया के वेना में पूरी तरह से व्यस्त हैं। कैटरीना कैफ के साथ एक्शन और रोमांस के सीक्वेंस को कंप्लीट करने में रशिया से ऑस्ट्रिया तक का सफर तय करने के बाद ऑस्ट्रिया के वेना में शूटिंग के बीच सलमान कैटरीना के साथ रोमांटिक मूड में भी नजर आए हैं। वैसे बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में एक बार फिर से लौट रहे सलमान खान, तो एक बार फिर टीवी और बॉलीवुड में दबदबा बनाने वाले हैं सलमान। इसके अलावा अंतिम द फाइनल ट्रुथ फिल्म उनकी इस बार दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है, जिसके लिए उनकी तैयारियां भी बहुत लाजवाब है। खैर, यहां पर बात सलमान खान की हो रही है तो सलमान की फैमिली का ही एक किस्सा है जो इन दिनों काफी मशहूर हुआ है, उससे हम आपको रूबरू जरूर कराना चाहेंगे। सलीम खान वैसे तो बहुत अड़ियल किस्म के शख्सियत माने जाते हैं बॉलीवुड के, लेखक और एक्टर बनने तक का सफर सलीम ने तय किया। सलीम बॉलीवुड में उस वक्त अपना अब्दा बना चुके थे और अपने रुतबे से पहचान बना चुके थे जब सलमान ने बॉलीवुड में एंट्री भी नहीं की थी। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े महानायक की फिल्मों की लेखन करते थे सलीम। सलीम जावेद की जोड़ी से कोई भी अनजान नहीं है बॉलीवुड में, ऐसे में सलीम खान का गुस्सा भी अपने बेटे से ज्यादा ही होगा, समझ सकते हैं आप, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ सलीम आज काम नहीं करते क्योंकि उन्होंने नाराजगी ऑलरेडी जाहिर की कि अमिताभ फिल्मों की क्रेडिट नहीं देते और इसलिए सलीम को उनकी ये चीजें पसंद नहीं आती। खैर, बात यहाँ पर हो रही है सलीम खान की, तो आज हम आपको बता दें कि एक बार एक पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिससे देर पहुंचे घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलीम खान। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में पिछले 50 साल से रह रहे हैं सलीम और इसलिए इस घर से वो कभी जुदा नहीं हो पाए। लग्जरियस आलिशान बंगलो भी खरीद सकते थे सलमान, लेकिन पिता की जिद की वजह से सलीम के साथ गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही रहने के लिए मजबूर रहे हैं सलमान। आज एक राज खोलना चाहेंगे, गैलेक्सी जो कि बांद्रा स्थित एक बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट है, वहाँ सलीम और सलमान दोनों ही रहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं ये दोनों। सलीम खान अलग फ्लोर में रहते हैं और सलीम के बेटे सलमान अलग फ्लोर में, क्योंकि सलीम खान की डेली रूटीन जो है अलग है और सलमान खान की लाइफस्टाइल अलग है और नहीं चाहते हैं वो कि उनकी वजह से, उनके साथ मिलने वाले लोगों की वजह से उनके मॉम एंड डैड की लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कोई बदलाव आए, उन्हें किसी परेशानी में पड़ना पड़े, इसलिए पिता और बेटे, माँ और बाप दोनों से अलग रहते हैं सलीम खान। खैर, सलीम खान की बात हो रही है तो ये आपको बता दे, एक बार
अपने बेटों के सामने ही सलीम ने किस्सा साझा किया शो कपिल शर्मा में। सलमान, सुहेल और अरबाज के सामने उन्होंने ये राज खोला और बताया है कि सच है ये बिल्कुल कि एक बार जब वो पार्टी से देर रात पहुंचे बहुत डरे हुए थे वो, दरवाजा खुलते ही चीख पड़े थे वो। दरअसल उनका घरेलू नौकर था उस वक्त, कोई और नहीं वो नौकर जो सालों से है। बताया सलीम खान ने इस बारे में कि उनके कुक आदि और तमाम घरेलू नौकरों के बारे में कुछ ऐसे किस्से जो काफी हैरान करने वाले थे। उस वक्त एक नया कुक आया था उनके घर पर, 15 दिनों की ट्रायल पर रखा गया था ताकि चेक किया जा सके इसका खाना अच्छा है या नहीं। जब उसने खाना बनाया तो नमक ज्यादा डाला पहले दिन, दूसरे दिन जब उसने बनाया तो नमक बहुत ज्यादा, तो तीसरे दिन और भी ज्यादा नमक खाता हूँ ये कह दिया। ऐसे में सलमान ने सोचा कि कुछ ना कहीं ना कहीं यहाँ पर फैसला जरूर लेने की जरूरत है परिवार को लेकर। सलमान खान ने भी सलाम नाम के घरेलू नौकर को पूरी तरह से तैयार किया इसके लिए और इसके बारे में जिक्र किया, साझा किया। सलाम को टेलीफोन उठाने का बहुत शौक होता था और ये ऐसी हरकतें करते थे। सलीम खान ने अपने घर के नौकरों को लेकर ये राज खोले, उनके व्यवहार पर राज खोले कि जिद्दी भी होते थे, शौकीन भी होते थे उनके घर के नौकर और आज भी हैं ऐसे। सलीम ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में फोन उठाने को लेकर कभी इतना पैशन नहीं देखा। मेरे सामने फोन रखा हो मैं उठाऊं, लेकिन इससे पहले वो वहां होता तो दौड़ आता और फोन उठा लेता, यानी कि उनका नौकर ऐसा ही है। वहां फोन ड्राइंग रूम में लगभग होता है और दूसरे उनके बेडरूम में। उनके रूम में तो कोई नहीं आता, घंटी बजती थी तभी आते थे। ऐसे में सलीम खान ने बताया कि उनका जो घर का नौकर सलाम है वो हमेशा ही वालेकुम सलाम कहते थे उनसे और हमेशा फोन उठाने के लिए बेताब रहते थे। सलीम ने बताया अपने घर का वो किस्सा, जब वो बेडरूम से बाहर आए और बोला फोन रख तो वो सोच में पड़ गया, फोन पर बोल रहा है फोन रख, ये भी बोल रहे हैं फोन रख। सलीम खान ने आगे बताया, रात को वो मुल्तानी मिट्टी का मास्क चेहरे पर लगाता था, नहीं पता ऐसा क्यों वो करते थे। अपने इतने शौकीन और परेशान कर देने वाले नौकरों के बारे में सलीम ने कई किस्से साझा किए। कहा कि रात की वो पार्टी से आए तो रिलैक्स होकर उन्होंने बेल बजाई और दरवाजा खुला तो एक क्रैक फेस वाला व्यक्ति उनके सामने दिखा और वो डर गए, चीख पड़े। दरअसल उन्हें लगा कि उनके घर का नौकर नहीं बल्कि कोई ऐसा है जो उन्होंने सोचा भी ना हो, जो उन्हें डरा रहा हो। ये बात सच है कि सलीम खान ने जब ये राज खोले वहां पर सभी हंस पड़े थे, लेकिन सलीम के कई ऐसे घर के किस्से हैं जो लोग नहीं जानते। सब सलीम खान की वजह से ही सलमान एक ऐसे कमरे में रहते हैं जहां उनके ड्रेस से लेकर उनके शूज से लेकर उनके पेट डॉग तक रहते हैं और उन्हें वहां एडजस्ट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्टिल वो उसी घर में रहते हैं। नौकरों से परेशान होने के बावजूद सलमान ने घर नहीं छोड़ा, लेकिन घर छोड़ने के बजाय क्यों ना अलग अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ जाए, ये अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट हुआ जाए, ये उन्होंने फैसला लिया। जी हाँ, अपार्टमेंट के अंदर अंदर अलग अलग फ्लैट में अलग अलग फ्लोर में पिता और बेटे रहते हैं, इसलिए किसी भी फंक्शन में इन्हें साथ होने में देर नहीं लगती है। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना है सलीम खान की फैमिली गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर खान फैमिली के उन सभी स्टाफ मेंबर्स के बारे में और जो उनके साथ सालों से रह रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि सलीम खान सलमान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो इस बार कैटरीना के साथ फिल्म में ज़रूर कुछ नयापन लेकर आएंगे। दबंग की सीरीज़ को लेकर सलीम ने तो पहले ही सलमान खान को हिम्मत दी, लेकिन टाइगर 3 को लेकर जो डिसीजन सलमान के, उसमें उनके पिता का कितना योगदान है ये राज भी खुलेगा कि सलीम खान से सलमान अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो सही राय देंगे, रिव्यूज़ सबसे पहले वही बेहतर देंगे। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लौटेंगे ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री की तमाम लेटेस्ट खबर लेकर। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।